बिग बॉस के घर में अब जैसे जैसे वो अपने अंतिम चरण की तरफ पहुंच रहा है, घर में जो लोग पहले दुश्मन हुआ करते थे वो भी अब दोस्त नजर आ रहे हैं। जो पहले एक दूसरे से कांटे की टक्कर लिया करते थे, एक दूसरे से लगातार लड़ते झगड़ते हुए नजर आते थे, वो भी अब एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए नजर आते हैं। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला और माहिरा शर्मा के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर शुरुआत में हमने देखा कि लगातार एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, वो अब एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि माहिरा शर्मा अपनी इमेजिनेशंस के बारे में सिद्धार्थ शुक्ला से बात करती हुई नजर आई और सिद्धार्थ भी इसमें उनका खूब साथ निभाते हुए दिखे। सिद्धार्थ ने माहिरा से पूछा कि तू इतनी देर से गई कहाँ थी, तो माहिरा ने बताया कि हॉलीवुड से एक डायरेक्टर आया था, उससे बात करी थी, इम्पोर्टेंट मूवी थी, मुझे बोल रहा था कि तुम्हें कास्ट करना है। क्या बताऊँ यार, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो रखा है मेरा। सिद्धार्थ ने कहा, क्या सच में यार, एक काम करना ना, पारस को अपनी मूवी में डायरेक्टर बना लेना। तो इस पर माहिरा ने कहा कि यार वो मेरे पास खुद आया है, वो क्या सोचेगा कि यार माहिरा के तो अपने लोग ही काम के भूखे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि उनको बोला ना कि तू उसके साथ कंफर्टेबल है तो फिर कर लेंगे ना वो। माहिरा कहती है कि हाँ यार ये बात तो तेरी ठीक है, पर मैंने एक चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 3 बॉलीवुड की मूवीज है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कौन सी करूँ। इस पर माहिरा कहती है कि नहीं यार, पहले बॉलीवुड की करती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा लगेगा ना कि मैं बॉलीवुड से इंटरनेशनल में गई हूँ, हॉलीवुड की मूवीज की है तो ये बेटर है। इस पर माहिरा कहती हुई नजर आती है कि यार क्या बताऊँ। माहिरा कहती है कि मैं उन हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो सिद्धार्थ कहते हुए नजर आते हैं कि डायरेक्टर को अपने पास ही बुला लेना, वो तेरे साथ रहेगा, तुझे पता लग जाएगा तू कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो माहिरा कहती है कि ऐसा अच्छा नहीं लगता ना यार, क्या लोग सोचेंगे। तो इस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं सोचते लोग। तो माहिरा कहती है कि नहीं यार, पर मीडिया उसका क्या करना। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।